गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 2.5 पे हम 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमारा चौथा 13 क्वेश्चन करते हैं अब कर चुके हैं अब हमारा 14वां क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 14वां क्वेश्चन। तो 14वें क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको 13वें सवाल पर एक सूत्र लिखाया था कि हमारे पास होता है x³ + y³ + z³ = 3xyz, ये होता है हमारे पास सूत्र, ठीक है। सूत्र होने के साथ ही साथ हमारे पास सवाल दे रखा है माइनस का, 14वें का पहला हो गया माइनस का 12³ + 7³ + 5³, ये हमारा सवाल है। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आप सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, इस वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। जब सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्या होगा, कंपेयर करोगे, एक्स की जगह पर 12 है, माइनस का 12 है, वाई की जगह पर 5 है, जेड की जगह पर 5 है। तो आपको क्या करना है, सूत्र का इस्तेमाल करके आपको इक्वल टू में रखना है 3xyz, ये हो गया 3 × −7 × 5। क्या करना है, सीधे सीधे सबकी गुणा कर देनी, किसके साथ, 3 के साथ, तो ये हो जाएगा −36 × 35, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी गुणा कर देनी, तो 36 × 35 30 × 15 × 18 18 9 10 0 6 2 32, तो आंसर हो जाएगा −1260। इस प्रकार से ये सवाल होगा। दूसरा सवाल आप खुद करेंगे, पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन उतार लेंगे, उसके बाद वहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले के साथ उसे क्या करोगे, कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद एक्स वाई जेड के मान की गुणा कर दोगे और साथ में किसकी गुणा कर दोगे, 3 की। इस प्रकार से इस सवाल को, दूसरे वाले सवाल को आप खुद करेंगे। अब है हमारा 15वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो क्षेत्रफल दे रखा है हमें, क्षेत्रफल दे रखा है 25a² - 35b² ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने 2.4 में तीसरा और चौथा क्वेश्चन किया था, ठीक है। 2.4 में याद रखिएगा कि किस प्रकार से किया था, पहले हमने इन दोनों की गुणा करनी है, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नगर चिन्ह देखना है, क्या है, प्लस का, प्लस करके हमें 35 लाना है, ठीक है। अगर वहाँ माइनस होता तो माइनस करके हम 35 लाते हैं, मगर यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस करके हमें 35 लाना है। तो सबसे पहले गुणा करते हैं, 25 × 50 = 0, 5 और 30 गुणा करके हमें लाना है 300 और जोड़ करके लाना है क्या, 35। तो हम क्या करें कि हमारे पास गुणा करके तो 300 आ जाए और जोड़ करके क्या आ जाए, 35 आ जाए। तो इस प्रकार से आपको गुणा करना है और जोड़ना है। तो ये हो गया 25a² - 25+10 क्या था, 25 और 12 की आप गुणा करेंगे तो 10 × 5 = 5 और 2, तो ये आ गया 300। तो मैंने क्या बताया था कि जब बड़ी चीज आती है तो आप उसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो ये हो गया 300 × 175 = 15 + 25 और अब इन अंकों से मिलाकर आपको गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे कि अगर 15 और 20 में आप अगर 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो आप करेंगे 25a² (20+15), तो ये क्या हो गया, 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा और 20 और 15 की आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 + 12 25a² - 20a
माइनस का 15a प्लस 12, ठीक है। आप इन दोनों से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आएगा 5, क्योंकि 5 के पहाड़ी में 25 भी आता है और 20 भी आता है और a आ जाएगा कॉमन, तो 25 a माइनस का 4, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा। अब उस वाले प्रश्नावली में मैंने बताया था, जब आप कोई भी चीज कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में कोष्टक में इन दोनों कोष्टकों में क्या होनी चाहिए, समान चीजें बचनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 5a माइनस का 4, 5a माइनस का 4 दोनों ही ब्रैकेट में बचा हुआ है, फिर आप क्या करेंगे 5a माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा 5a माइनस का 3, इस प्रकार से आपका गुणनखंड हो गया। अब हमारा क्षेत्रफल दे रखा था, किसका दे रखा था, आयत का क्षेत्रफल दे रखा था, तो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये लंबाई हो सकती है, ये चौड़ाई हो सकती है, ये चौड़ाई हो सकती है, ये लंबाई हो सकती है, तो आप कोई भी लंबाई और चौड़ाई लिख सकते हैं, इसे आप लंबाई लिख दीजिए ये तो ये चौड़ाई हो जाएगी, अगर इसे लंबाई लिखेंगे ये चौड़ाई हो जाएगी, तो इस प्रकार से ये गुणनखंड करने हैं। तो इसका दूसरा वाला क्वेश्चन सेम उसी विधि इसी विधि से आप उसका दूसरा वाला खंड खुद करेंगे। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, 16वें क्वेश्चन पे भी दे रखा है, मैं इसे करा देता हूं आपका दूसरा क्वेश्चन। 16वें में दे रखा है आपको आयतन, धन आपका आयतन, धन आपका आयतन दे रखा है 12ky² माइनस प्लस 8ay माइनस का 20k, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब घनाभ का आयतन दे रखा है, घनाभ क्या होता है, आपकी किताब, जो किताब होती है वो आपकी घनाभ के आकार की होती है, जो बॉक्स होता है आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है वो घनाभ के आकार का होता है, जिसमें घनाभ का मतलब होता है जिसमें आपकी लंबाई भी आए, चौड़ाई भी आए और ऊंचाई भी आए, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास तीन चीजें आनी चाहिए, तीन चीजों में क्या आनी चाहिए, लंबाई भी आनी चाहिए, चौड़ाई भी आनी चाहिए और ऊंचाई भी आनी चाहिए। जैसे अभी हमने क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन किया उसमें आपके दो गुणनखंड आए, तो एक को हमने लंबाई कह दिया और दूसरे को हमने क्या कह दिया, चौड़ाई कह दिया। उसी प्रकार से घनाभ में जब हम करेंगे, घनाभ का आयतन होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो हमारे पास अब कितने गुणनखंड आने चाहिए, तीन गुणनखंड आने चाहिए, ठीक है। अब कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे तो उनके लिए बता देता हूँ, घनाभ को इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो जो हमें फैक्टर करने हैं उसमें आपके तीन फैक्टर होने चाहिए, जिसमें लंबाई भी आएगा, चौड़ाई भी आएगा, ऊंचाई भी आएगा, ठीक है। तो अब इसको गुणनखंड करते हैं, सबसे पहले हमने देखा इसका कॉमन क्या है, ए है, के है, के है, तो सबसे पहले के कॉमन आ गया। अब हम ऐसे भी कॉमन लेते हैं जिसमें तीनों ही चीजें आ जाएंगी, अब 12 है, ठीक है, 12 है, 8 है और 20 है, तो तीनों ही चीज में चार कॉमन ले लिया, तो ये बचा 3y² + 2y - 5, ठीक हो गया। अब पहली चीज ये तो बाहर चलेगी चलेगी, अब हमें लिखना है 3y² 3y², अब उसी प्रकार से जैसे हमने गुणनखंड किए थे, 3 और 5 की करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है, गुणा करके हमें कितना लाना है, 15 लाना है, और माइनस करके कितना लाना है, 2 लाना है, तो 5 3 15, तो प्लस 5 - 3 ब्रैकेट में y - 5, ये हो गया 4k, 3y² - 5y - 3y - 5, 4k। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आपका y, ये हो जाएगा 3y + 5। आप एक और चीज बताई थी, जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां से क्या आता है, एक कॉमन आता है, तो एक कॉमन ले लिया, ये बचा 3y + 5। अब हमारे दोनों ही ब्रैकेट में एक जैसी चीज है, तो हमने कॉमन ले लिया, 4k तो चल ही रहा है बाहर, कॉमन लिया 3y + 5 और दूसरे ब्रैकेट में y - 1, तो इस प्रकार से अब हमारे पास तीन गुणनखंड आ गए हैं, 1, 2 और 3। तो हमें क्या लाने थे, दीनी को तीन गुणनखंड लाने थे, तो इनमें क्या हो गया, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, या फिर ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई,
या फिर ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, तो किसी भी प्रकार से आप लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये जनरली थोड़ी पता है कि यही लंबाई है या यही चौड़ाई है। तो आप कोई सी भी चीज़ को लंबाई, कोई सी भी चीज़ को चौड़ाई, कोई सी भी चीज़ को ऊंचाई लिख सकते हैं। ये नहीं है कि ये सबसे पहले आ रहा है तो ये लंबाई हो गई है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका दूसरा अध्याय समाप्त हो गया है। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें आप तीसरी प्रश्नावली की पहली प्रश्नावली समझेंगे, मगर तीसरा अध्याय समझने के लिए आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं कुछ समझा देता हूं कि तीसरे अध्याय में क्या है। तीसरा अध्याय हमारा निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हमारी दो ही चीजें आती हैं, पहला आता है आपका एक्स और दूसरा आता है आपका वाई, ठीक है। एक डायग्राम बनाऊंगा, उसे आप ध्यान से बनाएंगे। जब तीसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले यही डायग्राम बनाएंगे और उसे समझ के तब आगे हम अगली वीडियो में बढ़ेंगे। हो गया आपका एक्स अक्ष, हो गया आपका वाई अक्ष, ठीक है। जब हम यहां पर आते हैं, जब दोनों ही अक्ष एक बिंदु पर काटते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु होता है 0.0, ठीक हो गया। अब ये तो आपका एक्स अक्ष हो गया, ये भी एक्स हो गया है, ये भी एक्स अक्ष, मगर ये माइनस, ये किसमें चलेगा माइनस में, ये वाला किसमें चलेगा प्लस में, मतलब इस साइड की सभी चीजें प्लस में और इस साइड की सभी चीजें माइनस में। वैसे ही यहाँ पर इस वाली चीज प्लस में और ये वाली चीजें माइनस में, ठीक है। ऊपर वाली चीज माइनस में, वो प्लस में, और नीचे वाली चीज माइनस में, इस प्रकार से ये हो गया। जब ये दोनों अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब काटते हैं, जहां पर भी काटा हमने उसे मूल बिंदु कह दिया, ठीक है। जब इन दोनों ने काटा तो ये क्या बन गया, एक चित्र बन गया, डायग्राम बन गया। डायग्राम बना है तो ये चार भागों में बढ़ गया। तो जो पहला भाग है वो कहलाएगा प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश ये कहलाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये कहलाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश, ये कहलाएगा आपका चतुर्थांश, ठीक है। ये चलता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करके चलता है, घड़ी चलती है ऐसे, मगर ये चलेगा उल्टा इस टाइम से, ठीक हो गया। जब प्रथम चतुर्थांश होता है तो इसमें क्या आते हैं, इसमें क्या चीज आ रही, दो अक्ष आ रहे हैं, एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है। तो जब भी दो अक्ष की बात होती है तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष लेते हैं, तो एक्स अक्ष में भी आ गया प्लस, वाई अक्ष में भी आ गया प्लस। यहाँ पर एक्स अक्ष में माइनस है, प्लस वाई अक्ष पर है, यहाँ पर एक्स पे माइनस है, वाई पर भी माइनस है, यहाँ पर एक्स में प्लस है, वाई में माइनस है। तो कहने वाला प्रथम चतुर्थांश में आपका प्लस प्लस आएगा, द्वितीय में प्लस माइनस आएगा, वो माइनस प्लस आएगा, तृतीय में माइनस माइनस आएगा, चौथे में प्लस माइनस आएगा। कहने वाला अगर कोई भी चीज आती है, पूछी जाती है कि द्वितीय चतुर्थांश में कौन से निर्देशांक आएंगे, मतलब किस टाइप के आएंगे, तो आप कह देंगे तृतीय में हमारे क्या आएंगे, माइनस माइनस के आएंगे, द्वितीय में हमारे माइनस प्लस आएंगे, प्रथम में हमारे प्लस माइनस प्लस प्लस आएंगे, और लास्ट वाले में हमारे प्लस माइनस आएंगे। तो इस टाइप से इस डायग्राम को सही से समझ लीजिएगा। अगली वीडियो में मैं 3.1 करूँगा, ठीक है, और इसे आप फिर कॉपी में भी कर लेंगे समझ कर, ठीक है। धन्यवाद।